हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो हमारा वीवो V35G फ़ोन है, तो वीवो V35G फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर कैसे अपने फ़ोन में ऐप क्लोन्स का यूज़ कर सकते हैं, और जैसे आपके फ़ोन में ऐप लॉक है या फिर आपके ऐप्स हैं वगैरह हैं, उनको आप ऐप्स का क्लोन कैसे बना सकते हैं और ऐप क्लोन का यूज़ कैसे कर पाएंगे वीवो V35G फ़ोन में। तो आज हम बताने वाले हैं कि ऐप क्लोन का यूज़ कैसे कर सकते हैं और अपने फ़ोन में ऐप क्लोन्स का यूज़ कैसे कर पाएंगे वीवो V35G फ़ोन में, तो बताने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि आइकन्स हैं, शो हो रहे हैं, तो आपको स्वाइप करना है। स्वाइप करते ही ऑल आइकन्स ओपन हो जाएंगे, जिसमें से आपको सेटिंग्स पे जाना हो। क्लिक करते ही फ़ोन की सेटिंग्स से ओपन हो जाएगी। तो आप कैसे अपने फ़ोन में ऐप क्लोन्स का यूज़ कैसे कर सकते हैं और ऐप क्लोन कैसे बना सकते हैं, तो सिंपली सेटिंग शो हो रही है, तो आपको इस पर जाना है ऐप सेटिंग्स पे, और जिस भी ऐप्स का आप क्लोन बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं और ऐप्स का क्लोन भी क्रिएट कर सकते हैं। फेसबुक एंड इंस्टाग्राम का क्लोन है आपने जैसे ऑन कर दिया तो क्रिएट हो जाएगा और आप इसका यूज़ कर सकते हैं, फेसबुक क्लोन का एंड इंस्टाग्राम क्लोन्स का। अब सेटिंग्स पे जाते हैं और बैक करती है, जैसे आप अपने फ़ोन में ऐप लॉक भी लगा सकते हैं। सिंपली सिक्योरिटी पे जाते हैं तो आप यहाँ से आप देख सकते हैं प्राइवेसी ऐप इंक्रिप्शन सेटिंग्स है शो हो जाते हैं, जिसका आप यूज़ करके अपने फ़ोन में ऐप क्लोन्स का भी यूज़ कर सकते हैं और ऐप लॉक भी लगा सकते हैं। इस तरीके से ऐप लॉक लगाना चाहें तो लगा सकते हैं और आपके फ़ोन में ऐप लॉक है लग जाएगा और इस तरीके से शो करेगा। तो इस तरीके से ऐप लॉक भी लगा सकते हैं, या फिर ऐप लॉक को अनलॉक करना चाहें तो अनलॉक भी कर सकते हैं। सिंपली बस इंक्रिप्शन का यूज़ करना है, पासवर्ड डाल देना और उस पर क्लिक करके जैसे ऑफ कर देंगे तो आपके फ़ोन में ऐप लॉक है बंद हो जाएगा और हट जाएगा। तो इस तरीके से ऐप क्लोन्स का यूज़ कर सकते हैं और ऐप लॉक भी लगा सकते हैं और ऐप लॉक को हटा भी सकते हैं अपने फ़ोन में। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।